बनाएंगे आरू कांदा का सब्जी। ये रहा मेरा आरू, ये देखिए इस तरह से। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती बहुत ही अच्छे होंगे। सोना चारू ब्लॉग पे आप सभी को स्वागत है। सो दोस्तों, अभी समय हो रहा है, बज रहा है 3 और अभी हम ब्लॉग बना रहे हैं क्योंकि आज 2 बार जंगल गए थे। जंगल से अभी आए हैं और उसके बाद खाना वाना खा करके मम्मी आज घर का सारा काम कर दी है, बर्तन भी धो दी, झाड़ू भी लगा दी, सिर्फ पानी लाना बचा हुआ है। तो सुबह का पानी हमने ला लिए थे वैसे तो, और अभी लाएंगे बाद में, तो अभी फिलहाल ब्लॉग बना लेते हैं। तो ब्लॉग बनाने के लिए आज हम लोग घर में बहुत ही मजा आ रहा है, खुशी भी लग रहा है, काफी ज्यादा खुश भी है क्योंकि हमने 2 तकिया भी खरीदे हैं आज, 2 नहीं 4 खरीदे हैं। मम्मी के लिए है और 2 और 2 मेरे लिए है, 4 पापा से हम लोग दोनों सोते हैं, तो इस चलते वहां पर हम लोग 2 लिए, तो सब जमा हम लोग का 4 हो चुका और बहुत ही सस्ते में दिया, 300 में 4 गो दिया है, तो खोली भी दिया और तकिया भी साथ में दिया, तो इस चलते हम लोग को अच्छा लगा तो हम लोग खरीद लिए। तो इंस्टाग्राम में मेरा 1K फॉलोवर हो चुका है, काफी ज्यादा खुशी लग रहा है और खरीद भी लिए तकिया सब, उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा खुशी लग रहा है। तो चलिए मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और चलते हैं, अभी बनाएंगे आरू कांदा का सब्जी जो हम लोग लगाते हैं, लेकिन हम लोग अभी इतना छोटा छोटा है, बड़ा बड़ा नहीं है, और वैसे खरीद कर लाए हैं तो काफी ज्यादा बड़ा बड़ा है, तो थोड़ा बैठ जाता है तो खाने में मजा आता है। तो इस चलते टमाटर भी साथ में है तो टमाटर के साथ में बनाएंगे, तो खाना तो हम बना ही लेंगे। तो यहाँ पर हम आप सभी को तकिया भी शेयर करा देते हैं, तकिया हमने खरीदे हैं, तो 2 और अंदर है, मम्मी उधर रखी है और ये हम लोग वाला है, इस तरह से है। तभी हम लोग निकाले थे और उसके बाद में डाल दिए हैं, तो ये वाला है अंदर का इस तरह से, और उसके बाद में इसको यहाँ पर ऐसे भरते हैं, तो हम लोग डाल करके रख दिए थे, तभी इस तरह से रहता है। थोड़ा सा लगता है कि खोली बड़ा है ऐसा लगता है, लेकिन नहीं, ठीक है। जो खरीद रहे थे उस टाइम, बेचने वाला था, वो बोलते बताया कि ठीक है ऐसे ही रहता है, तो उतना तो हम लोग को जानकारी नहीं था तकिया के बारे में, लेकिन बताया तो अच्छा लगा। और तो सभी को यहाँ का गांव वाला सारी कोई खरीदे हैं तो सोचे कि हम लोग भी खरीद लेते हैं, वैसे सिर जगह पर रहता है तो अच्छा लगता है, नहीं रहता है तो पूरी तरह से सिर दर्द देने लगता है, तो इस चलते ले लिए ताकि अच्छा रहे। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। दोनों सेम ही है बस, ऐसे मम्मी का सिर्फ कलर थोड़ा सा, ये तकिया खोली वाला अलग है, नहीं तो सेम है हम लोग का मम्मी से दोनों। चलते हैं रोटी बनाने। सबसे पहले तो यहाँ पर हम आटे को सान लेंगे, ये देखिए रोटी के साथ में बनाएंगे तो अच्छा लगेगा खाने के लिए आलू का सब्जी। तो यहाँ पर हम पानी ले लिए हैं और 4 पापा अभी लकड़ी तोड़ दे रहे हैं, इस तरह से पानी को डाल लेंगे और सानेंगे ऐसे करके। तो चलिए फटाफट से सानते हैं, उसके बाद में मिलेंगे। तो देखिए आटा को हमने बहुत ही अच्छे से सान दिए हैं, अब हम इसको छोड़ देते हैं, ये फूलते रहेगा, तब तक चलते हैं आलू का सब्जी को छीलने। तो यहाँ पर हम रेक में सारे कुछ रखे हैं, ये देखिए धनिया पत्ता है यहाँ पर सारे कुछ, ये देखिए चीनी उनी का सब डब्बा नहीं है, बस ऐसे प्लास्टिक पे रखे हैं। टमाटर, ये रहा मेरा आलू, ये देखिए इस तरह से, और इसमें हम सारे कुछ रख दिए हैं, आलू वगैरह है, तो इसको हम छीलेंगे। तो देखिए इस तरह से खराब हो रहा है, कई दिन रखा हुआ हो गया 5 से 6। तो इस तरह से हमने काट दिए हैं, अब हम इसको अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे इस तरह से। यहाँ पर डेक्ची है, डेक्ची में रखते जाएंगे, इतना सा खराब निकला, इस तरह से रहेगा तो अच्छा रहेगा, और ऐसा हमें थोड़ा सा खराब निकला है, ये देखिए इस तरह से। और जो बहुत ही जल्दी ये पक भी जाता है, पकने के लिए लेट भी बिल्कुल भी नहीं लगता है, कोड़ता भी नहीं है, बहुत ही मस्त लगता है खाने के लिए। आलू से थोड़ा सा कलर इसका अच्छा रहता है खाने के लिए। ये दूसरा वाला है, इसको भी काट लेंगे।
तो यहाँ पर हमने चीर कर रखे, देखिए इतना सा निकला है, बहुत ही थोड़ा सा, क्योंकि जहाँ पर वो लोग कोड़ाई किए थे तो वो लोग भी शायद 2 से 3 दिन रख लिए थे और उसके बाद में बेचाई करने के लिए लाए थे, तो हम भी यहाँ पर ला करके 3 से 4 दिन हम भी घर पर रख दिए, तो इस तरह से खराब हो गया थोड़ा सा। तो देखिए इतना सब फेंका गया फालतू में ही, 40 रुपये मेरा बर्बाद हो गया। तो चलिए जितना है उतना ही मैं सबूर करेंगे। तो चलिए फटाफट से अब इसको हम फेंक कर हाथ धो लेते हैं और बनाते हैं। तो हम इसको धो लिए हैं आलू कंदे को, ये देखिए इस तरह से, इसका कलर नहीं हटेगा, बस ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसको हवा लग गया है। और ये वाला जो है पूरी तरह से ठीक था, वो वाला ऐसा सफेद दिख रहा है। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं, इसके सामने चिकन भी फेल है, अच्छे से बनाएंगे। तो तेल को हमने डाल दिए हैं, तो तेल मेरा गर्म हो गया है, जिसमें हम तेज पत्ता को डाल देंगे और ये प्याज और लहसुन, अच्छे से अब हम इसको भून लेते हैं। तो भुजा गया है, अब हम इसमें आलू कंदे को डाल देंगे और अच्छे से इसको हम भून लेंगे। अब हम इसको चला करके ढक देंगे और अच्छे से इसको हम पकने देंगे। तब तक चलते हैं मसाला पीसने, मसाला पीस कर आएंगे, तब तक इधर चारू पापा चला देंगे। मसाला पीस करके आ गए हैं, अब हम सब्जी को देख लेते हैं। तो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो पहले हमने नमक नहीं डाले थे, क्योंकि अगर डाल देते तो ईट चिपक जाता कढ़ाई में, इस चलते हम नमक को नहीं डाले थे। तो अभी हम डाल लेंगे नमक को। तो स्वाद अनुसार डाल देते हैं नमक। इसी में डाल देंगे टमाटर, 2 हमने काट लिए थे, और साथ में मसाला। अब हम अच्छे से इसको हम भून लेते हैं। चारू का गाना सुन इस तरह से गा रही है। कैसे गाती है बेटा? इसका मुंह देखिए, लो। तो बहुत ही अच्छे से भुजा गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे मसाले वाला पानी और इसको अब हम ढक देंगे ताकि टमाटर जो है अच्छे से गल जाए। सब्जी मेरा बनके तैयार हो चुका है, ये देखिए पूरी तरह से एकदम गाढ़ा हो चुका है, ये देखिए इस तरह से, और काफी मस्त खुशबू आ रहा है एकदम चिकन मटन के जैसा। तो इसमें हम थोड़ा सा MDH मसाले को डाल देंगे और उसके बाद में धनिया पत्ता और उतार देंगे इस तरह से डाल के, मस्त एकदम गमक आ रहा है, आज खाएंगे बहुत ही मजे से पूरा परिवार। हम लोग भी लगाते हैं ये वाला, लगाए हुए हैं, तो थोड़ा छोटा छोटा है, इस चलते हम लोग मार्केट से खरीद करके लाए थे। तो देखिए हो चुका है अच्छे से, हम मिला दिए हैं MDH मसाले को, अब धनिया पत्ता को डाल देते हैं इस तरह से, अब हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो बन के तैयार हो चुका है, तो अब हम उतारते हैं और फटाफट से रोटी सेकते हैं। तो उतार लिए, अब सेक रहे हैं रोटी। तो रोटी को तो आटा को तो हम पहले ही सान करके रखे थे और गोलियां हमने काट कर रख दिए हैं, तो ज्यादा नहीं बस इतना ही है। और बेल रहे हैं किस तरह से रोटी आज फूलता है कि नहीं, वैसे तो अक्सर फूलता ही है लेकिन आज सोच रहे हैं कि अच्छे से फूल जाए। तो इस तरह से बेल रहे हैं, बेलना है तो चौकी भी है, लेकिन चौकी का जो नीचे वाला जो इस तरह से गोल गोल सा 3 से 4 रहता है वो वाला टूट गया है, तो अच्छा नहीं लगता है बेलने के लिए, इस चलते हम
थाली में बेल रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ही ना हो इस चलते। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। तो रोटी देखिए इस तरह से फूलना शुरू हो गया है। रोटी को ज्यादा नहीं, 3 बार पलटना है, बस फूल जाता है देखिए इस तरह से, काफी मस्त। और थोड़े थोड़े जब फूलने लगता है तो इस तरह से सेक देते हैं तो और भी आराम से फूल गया देखिए मस्त एकदम। अब इस तरह से पलट देंगे और उसके बाद में यहाँ पर रख देंगे। तो दूसरा को भी इसी तरह से डाल देते हैं, फटाफट से बनाते हैं। रोटी हमने सारे बना लिए हैं और चारू भी काफी ज्यादा परेशान कर रही है, तो देखिए सारा खत्म हो चुका है। इतने सारे हमने बना लिए हैं, देखिए 10-11 है, बस इतना में हो जाएगा। तो चलिए ब्लॉग को हम इतने रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।